गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का न्यू लखनऊ सिटी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज क्लासेस में। ठीक है, जल्दी से आ जाइए आप लोग। भाई जो लोग नहीं आए उनको भी बुला लीजिए। आज थोड़ा सा जल्दी हो गया, मुझे लग रहा है कुछ देर जल्दी हो गया। खैर कोई नहीं, जल्दी शुरू कर देना भी चाहिए क्योंकि समय होते होते बच्चे बहुत देर से आते हैं। ठीक है, सभी लोगों को बुला लीजिए और आ जाओ। थोड़ा सा समय से पहले हूँ, कितना देर पहले? लगभग 3 मिनट पहले हूँ। कोई नहीं, ठीक है, 3 मिनट में पहले ही आ गया। चलिए ठीक है, बाकी जो लोग नहीं आए उन लोगों को भी बुला लीजिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर्स, आप सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। ठीक है, आजिए भाई। चलिए ठीक है, एक एक सब लोग आते ही। ठीक है, देखिए आकर आकर के जाना नहीं है। अब चलिए देखिए, हम लोग जब तक सब लोग नहीं आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं जरा कॉनिक सेक्शन की। तो कॉनिक सेक्शन में देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। भाई देखिए, पैराबोला बनाना हम लोगों ने पढ़ लिया था, हाइपरबोला बनाना पढ़ लिया था। ठीक है, और अच्छा पैराबोला होता क्या मैंने बता दिया था। ठीक है, हाइपरबोला क्या होता और इलिप्स क्या होता है मैंने। तो चलिए इलिप्स क्या रहा हूं, इसमें लगभग हमारे पास यही बचाते हैं, पैराबोला बनाने के मेथड्स हैं और इलिप्स बनाने के मेथड्स हैं। ठीक है, तो चलिए आज एक मेथड की और हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सब लोग जरा आ जाएं। अच्छा जरा आप लोग मुझे बता दीजिए कि अपने इसमें कुछ बचा है क्या। क्लास वास जल्दी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उधर जो है ना सर की क्लास छूट जाती है, फिर बिरेन सर कॉल करने लगते हैं फिर। अच्छा अभी सब सब सो रहे हैं। बताइए अभी हमारे सिलेबस में और क्या क्या बचा हुआ है जो अभी तक हम कंप्लीट नहीं हुआ है, जरा एक बार हमको बता दीजिए आप लोग, फिर उसके साथ हम लोग शुरू करते हैं। चलिए भाई सभी को बुलाओ, मैंने बोल दिया था कल भी। ओके सोनू जी, अरे ये क्या इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली है लग रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ठीक है आदित्य, वेलकम है। चलिए हम लोग तो वैसे तो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, शायद के 100%। ठीक है चलिए, तो हम लोग चलिए स्टूडेंट्स आ गए हैं, चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे थे पैराबोला की, तो देखिए एक बेस मेथड होता है हमारा, क्या होता है एक बेस मेथड होता है पैराबोला की। चलिए गुड मॉर्निंग दिव्यांश जी, पैराबोला की हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए क्या होता है पैराबोला हमारा, ये हो गया हमारा पैराबोला। ठीक है, यहां हमारा क्या होता है फोकस होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये होता है वर्टिक्स होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमारे पास कोई बेस है, ये हमको अगर दिया हो यानी कि इसकी लंबाई हमको दी है और इसको हम लोग क्या बनाना है, हम लोग क्या बनाना है फिर फोकस में बता दिए, ऐसे कोई हमको बेस दिया हुआ है और फिर हम लोगों को बनाना हम लोगों को पैराबोला। तो ठीक है देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करने के लिए हम लोग एक ड्रा करते हैं। ठीक है, आज हम लोग ड्रा करेंगे कैसा पैराबोला, कब जब बेस दिया हो तब। मान लीजिए हमारे पास कोई बेस दिया हो तो उस बेस को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक है बेस पे क्या करेंगे हम लोग, उसको बेस को ड्रा कर लेंगे। चलिए इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले मैं ड्रा कर देता हूं। वेलकम ज्ञान, और भी बाकी सभी लोगों को बुलाओ। ठीक है, ये देखिए ये हो गया हमारा बेस, व्हाटएवर जो भी दिया रहेगा उस बेस को हम लोग क्या करेंगे ड्रा कर लेंगे।
जितनी भी लंबाई का बेस आपको दिया रहेगा आप उतनी लंबाई का ड्रा कर लेंगे। तो चलिए मैं ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से। लंबाई कोई सा भी मैं मेजरमेंट नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आपको मेजर करके करना है, ठीक है? ये लंबाई आपको मेजर करके करना है, ठीक है? उसके बाद से आपको दिया जाएगा, ये आपका वर्टिक्स दिया जाएगा, ठीक है? क्या दिया जाएगा? वर्टिक्स दिया जाएगा, ठीक है? आ गए स्टूडेंट्स, आ गए हैं हमारे, ठीक है? उसका वर्टिक्स दिया जाएगा। तो वर्टिक्स मान लीजिए कुछ दिया होगा, मान लीजिए हमारे पास इतना दिया हुआ है, कोई सा भी लेंथ है, लेकिन जब आप लेंगे बनाएंगे तो उसको मेजर करके बनाएंगे। ये जितनी लंबाई का है, चलिए यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का आया है। अच्छा, इसके सेंटर में हम लोगों को लेना है, तो सेंटर आप लोगों को पता ही ना कैसे निकाला जाता है, यहां से एक सेंटर। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ सेंटर कैसे निकालते हैं। भाई देखिए, कल इसके पहले हम लोग बता नहीं पा रहे थे, कल जो आर्क नहीं बन पा रहा था, ठीक है? तो मैंने आर्क को बनाने के लिए देखिए एक मेथड निकाला है, देखते हैं कितना सक्सेस होता है, ठीक है? यहां हम क्या करते हैं, एक हम सेंटर मान करके, यहां सेंटर मान करके एक लंबी दूरी लेते हैं, क्या थोड़ा सा लंबा दूरी लेते हैं, यहां से कट करते हैं और दूसरा यहां से कट करते हैं, ठीक है? और फिर इसको सेंटर निकालने के लिए यहां से हम क्या करते हैं, इसको सेंटर मान करके यहां से कट और दूसरा यहां से आर्क से हम लोग ऐसे कट करते हैं, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो देखिए, अगर इसको हम लोग मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको एक पॉइंट में क्या करेगा, कट कर देगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाता है, कट हो जाता है। आगे बात समझना, देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा ऑपरेशन होता है। अब देखिए, ये हमको मिल गया, ये पॉइंट तो है, इसके हम लोग डबल कर लेंगे, ये जो हमारी लंबाई होगी डबल कर लेंगे, ठीक है? इसमें आर्क को मिटा दे रहा हूं, आर्क को मिटा के आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्या कर लेंगे, इसकी लंबाई हम लोग डबल कर लेंगे, हम इसको यूज नहीं करूंगा, इसकी लंबाई हम लोग क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। ये हो गया हमारी डबल लंबाई, ठीक है? ये होगी डबल लेंथ, ठीक है? आप लोगों को ऐसे ही बताना है, ऐसे ही बनाना होगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए ठीक है, आ जाइए सब लोग, आइए और भागिए नहीं, बीच में क्लास छोड़ के भागना नहीं है, क्लास में रुके रहना है, ठीक है? क्लास छोड़ के नहीं जाना है, क्लास में रुके रहिए। यहां तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास लेंथ है इसको हम लोग एक स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है? इसको कंप्लीट, ये हो गया यहां से, और फिर देखिए हमारा सेंटर है, यानी कि सेंटर में है, ठीक है? यहां से हमारा ये सेंटर में हो गया, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास एक सेंटर में आ जाएगा। अब बस समझ रहे हैं कि ये हमारा बेस दिया होगा, देखिए हमारा ये बेस दिया होगा, ठीक है? अब इस बेस पे हम लोगों को बनाना होगा, क्या हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं पैराबोला, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है, क्या करेंगे हम लोग, पैराबोला बनाएंगे। अब देखो, इसको हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये जो पोर्शन होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का आप लोगों को तरीका तो पता आई है, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास इसको 1 2 3, मान लो 3 में हमने कर दिया तो ये कहां से आ गया, पैरेलल, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 में कर दिया तो यहाँ पे भी आ गया। इस तरीके से जितना भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, डिवाइड करना आप लोग जानते हैं कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है? डिवाइड करना मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए, ये पॉइंट मिल गया, इससे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट मिल गया, अब इसी तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेंगे इक्वल पार्ट में। अच्छा, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना भी मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है? यहां से क्या करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को डिवाइड करना बता दिया है, ठीक है? अब मैं डिवाइड जो कर दिया हूं, आप ऐसे मेजरमेंट करके भी कर सकते हैं, अगर मेजरमेंट करके नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर संख्या को डिवाइड करके माप भी सकते हैं, लेकिन ये मेथड भी क्या होता है, बेस्ट होता है, इसी तरीके से करना होता है। अब देखिए, हमारे पास ये मिल गया, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट हो गया, 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहां भी करेंगे, ठीक है? और सेम मेथड हम लोग यहां भी अप्लाई करेंगे, कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब देखिए,
ठीक है, यहाँ हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, इसको हम लोग को हम मैच कराएंगे। क्या कराएंगे? मैच कराएंगे। हालांकि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसे कैसे हम लोग करना होता है। अब देखिए मैच कराएंगे, हम नाम दे देते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं। इसको मैं कह दे रहा हूं A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। यहां मैं कह दे रहा हूं B1, B2, B3, B4, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, यहां से एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। अब देखिए और हम लोग इसको यहां पे लेंगे, ठीक है, यानी कि क्या करेंगे हमारा एक, देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक पॉइंट ये रहेगा और एक पॉइंट हमारा ये रहेगा, इसको हम क्या करेंगे मैच करेंगे। अब हम यहां पे एक आगे जाएंगे और इसके इधर एक और आगे जाएंगे, यानी कि एक पॉइंट हमारा ये रहेगा और दूसरा पॉइंट ये रहेगा, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहां से फिर आप लोग ऊपर जाएंगे इस तरीके से, आ रही बात समझ में? तो देखिए इस तरीके से हमारा क्या होता जा रहा है, एक इस तरीके से फॉर्मेशन होता जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से फॉर्मेशन होता जा रहा है। मैं यहां से कर दे रहा हूं फिर ऐसे, ठीक है, और इसका एक पॉइंट चला गया हमारे पास इस तरीके से। अब देखिए क्या करना होता है, हमारे पास ये जो पोर्शन आएगा ना, यहां से आप लोग नीचे खींचिए, यहां से एक हम लोग ड्रा करते हैं यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला हम लोग को यहां पे, देखिए ये पॉइंट हम लोग को मिल गया यहां पे, ये लाइन और ये पहली लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी ये हमको पॉइंट मिल गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरी पॉइंट अगर हम लोग खींचते हैं, दूसरा पॉइंट ये देखिए, ठीक है, ये कहां मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है यहां पे। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा इसी तरीके से यहां पे, ठीक है। अब देखिए ये लाइन और ये पहली लाइन का ये हो गया, ये लाइन और ये लाइन का दूसरा ये हो गया। अब देखिए इस लाइन को देखेंगे और इस लाइन को देखेंगे, हमारा यहां पे मैच कर रहा। अब हम क्या लेंगे, हम लोग लेंगे फ्रेंच कर्व। कौन सा कर्व लेंगे? फ्रेंच कर्व लेंगे। आ रही बात समझ में? कौन सा कर्व लेंगे? फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व ले करके इन सभी बिंदुओं को आपस में क्या कर देंगे, फ्रेंच कर्व के साथ में इसको मिला देंगे, यहां से आपका बन जाएगा। और सेम पैटर्न हमारा इधर भी बनेगा, सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न आप लोग इधर भी बनाएंगे, तो ये भी एक लाइन हमारे पास ऐसे आ जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक तरह का हमारे पास ये भी एक पैराबोला बन जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, चलिए बताइए ये इतना समझ में आया ना, कैसे क्या करेंगे? हमको पॉइंट लेकर के एक यहां पॉइंट लेंगे, हमारा बेस जो दिया रहेगा उसको बेस कर लेंगे, ठीक है, और यहां से इक्वल पार्ट यहां से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, यानी कि सॉरी डिवाइड नहीं, ऊपर कर लेंगे, और फिर एक हम क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे इस तरीके से, और सभी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना आप लोगों को मैंने बताया है, इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और फिर इनको क्या करते आएंगे, ऐड करते आएंगे, ठीक है, ये मेथड होता है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए सेम मेथड जो मैंने इधर बनाया है यही सेम हमारा इसके साथ भी होगा, ठीक है। यहां से लेंगे इसके साथ, फिर इसको लेंगे इसके साथ, इसको लेंगे इसके साथ, ऐसे करके सभी को हम लोग ऐसे तरह से कर देंगे। सर पैराबोला प्रकार से भी तो बनाया जा सकता है? नहीं, पैराबोला नहीं प्रकार से बनाया जा सकता, वो क्या बनता है, सर्किल बनता है, वो पैराबोला नहीं होता है। चलिए पैराबोला आप लोगों को मैं अभी अंतर दिखा रहा हूं, पैराबोला और सर्किल में अंतर क्या होता है। पैराबोला और सर्किल में अंतर होता भाई, देखिए हमारे पास ये हो गया। अब देखिए पैराबोला अगर हमारा बनता है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, जरा आप लोग समझ गए नहीं, जरा ये मुझे बता दीजिए। चलिए मोहित कनौजिया जी स्वागत है आपका, ठीक है, जरा बता दीजिए ये समझ में आया कैसे बनाना है? हाँ या ना में बताइए भाई जल्दी से, इसमें कुछ और कुछ तो नहीं करना ना, मैं बता रहा हूं। देखिए रोहित अभी बता रहा हूं मैं कि पैराबोला को आप लोग प्रकार से क्यों नहीं बना सकते, प्रकार दूसरा होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसमें कुछ ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है ना? प्रकार से नहीं बनाया जाता था पैराबोला। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, पैराबोला और सर्किल में अंतर होता है,
जैसे हमारे पास क्या हो, पैराबोला देखिए क्या होता है। पैराबोला हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये हमारा फोकस होता है, ठीक है, और ये हमारा होता है क्या, वर्टिक्स होता है, और इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। कोई एक पॉइंट अगर ले लिया जाए, तो डायरेक्ट्रिक्स से इसकी दूरी और फोकस से इसकी दूरी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, बराबर होती है। कोई भी दूसरा एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया एक ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट ले लिया, ये क्या होगी, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, ये हमारी फिक्स होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, ये होता है पैराबोला। लेकिन यहीं पे अभी देखिए पैराबोला की बात हो गई, यहीं पे अगर मैं आपको क्या बना दूं, यहां पे सर्किल बना दूंगा तो बात दूसरी चीज हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगर मैं यहां पे सर्किल बनाता हूं, भाई देखिए आप लोग को नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने कुछ अरेंजमेंट लगाया है। जैसे देखिए सर्किल की बात दूसरी होती है, ये देखिए, ठीक है, यहां देखिए अंतर आ गया ना, इसका लेंथ हर समय चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे देखिए यहां पे कुछ लेंथ अलग था, यहां पे लेंथ छोटा रह गया, यहां पे लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर में भी होता है, हाँ कन्वेक्स मिरर में ही होता है, ठीक है, वो होता है कन्वेक्स मिरर में होता है। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो पैराबोला ही होता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, पैराबोला ही होता है, लेकिन उसको हम लोग सर्किल नहीं रह सकते, ठीक है, उसको हम लोग सर्किल नहीं रह सकते। अब देखिए हमारे पास ये मेथड आ गया, एक तरीके से ये बन गया। कहने का मतलब ये होता है पैराबोला क्या होता है, पैराबोला एक ऐसा चीज होता है, क्या करेंगे, यानी कि किसी एक पॉइंट को ले लिया जाए, उसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, यानी सेम होता है, चेंज होते रहेगा लेकिन वो सेम रहेगा, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से कोई दूसरा ले लेंगे तो ये भी क्या होगा, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या होगी, सेम होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा पैराबोला। अब चलिए एक पैराबोला बनाने का एक और तरीका है, देखिए हम लोग उसको कर ले रहे हैं, पैराबोला उसको हम लोग बना ले रहे हैं, जरा उसको भी ध्यान दीजिए आप लोग। हमारे पास एक ये है, इससे बनाता हूं मैं, किसी मेजरमेंट का नहीं बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, मैं किसी मेजरमेंट का नहीं बनाऊंगा, ऐसे अब्रप्टली बना रहा हूं। हालांकि आपको दिया जाएगा लेंथ ब्रेथ, आपको उसका सेंटर इसेंट्रिसिटी सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, और फिर इसको मैं इस तरीके से, ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। जैसे कि हमारे पास इतना दिया हुआ है, हमारा वर्टिक्स दिया हुआ है यहां पे, वर्टिक्स दिया हुआ है यहां पे, और हमारा फिर क्या हो जाएगा, हाँ फोकस इसी के जस्ट दोगुना होता है फोकस पैराबोला में, ये हो गया हमारे पास यहां पे। अब इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, दोगुना हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये फोकस है, हम लोग इसको मेजरमेंट कर लें जस्ट डबल में, डबल में मेजरमेंट करने का मतलब हमारा ये यहां पर आ रहा है, यहां पे, यानी कि हमारा डबल हमारा कहां आ गया, यहां पर आ गया, आई बात समझ में, यहां पर हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये होगा हमारा वर्टिक्स और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फोकस, आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमारा वर्टिक्स हो गया, यहां पर फोकस हो गया, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, ये वर्टिक्स है और ये फोकस है, एक तरीके का हम लोग पैराबोला इस तरीके से बना रहे हैं, ये हो गया पैराबोला हमारा इस तरीके का, ये हो गया हमारा वर्टिक्स और ये हो गया हमारा फोकस। अब हमको एक ऐसा लेंथ लेना है, ये और ये आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी कि ये वाली लंबाई बराबर ये वाली लंबाई हो, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई हो, ठीक है। तो अब देखो वर्टिक्स से हम लोग क्या करेंगे, कई सारे पैरेलल लाइन खींच लेंगे, क्या कर लेंगे, कई सारी हम लोग पैरेलल लाइन खींच लेंगे। देखो जैसे मैं खींच ले रहा हूं यहां पे, वर्टिक्स से हम लोग क्या कर लेंगे, ये देखो हमारा वर्टिक्स है, ये वाला पॉइंट, यहां से हम लोग पैरेलल लाइन खींच लेते हैं ऊपर, यहां से ऐसे खींच लेंगे, एक लेंथ होनी चाहिए, एक बची हुई लेंथ यहां पे एक लाइन होगी, ये देखिए आप इक्वल भी रख सकते हैं, अनइक्वल भी रख सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन
मेजरमेंट करते समय आपको ध्यान देना होगा, देखिए ये आप लेंथ में कुछ भी रख सकते हैं, इनके बीच की दूरी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप क्या रखें, इक्वल दूरी रखें। ठीक है, क्या होगा आपको अच्छा होगा कि आप इक्वल दूरी रखें। जैसे मैं इसको ये कर दे रहा हूं यहां से, ठीक है ये हो गया। अब देखिए क्या करना हम लोग को, इसके बराबर तो ये है, यानी कि इसके बराबर तो ये हमारे पास है। अब देखिए एक हमको ऐसी दूरी रखनी होगी, क्या होगा यानी कि अब हमको एक ये लेंथ लेना है, ये लेंथ लेंगे तो कहां पे आएगा वो लेंथ हमारा, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए इस लेंथ को अगर हम लोग लेते हैं तो मेजरमेंट कर लेते हैं, देखो इसके साथ में ही ये लेंथ बराबर, तो ये लेंथ है। कहने का मतलब कि देखो, कहने का मतलब ये हो गया कि इसको मैं और बड़ा कर ले रहा हूं, देखो ये लेंथ बराबर तो हमारा ये लेंथ है, जब से एफ को मैं खींच ले रहा हूं भाई, देखो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ये लेंथ बराबर तो हमारा फोकस लेंथ का है। ठीक है, क्यों एसेंट्रिसिटी हमने वन रखा है, यानी वर्टिक्स से जितनी दूरी है उतना ही फोकस है हमारी दूरी है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब देखो क्या करना है हम लोगों, अब यहां से लेकर के यहां तक की एक दूरी लेनी है, ठीक है क्या लेना है, यहां से लेकर यहां तक की एक दूरी लेनी है। तो वहां से लेकर वहां तक की दूरी मैं इसको देखो आप लोग करेंगे किससे, प्रकाश से करेंगे, लेकिन क्या है आप लोगों को दिखाई दे यहां से, इसलिए मैंने प्रकार की जरूरत मैंने इसका उपयोग किया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, एक लेंथ लेते हैं यहां पे, ये देखिए एग्जैक्ट लेंथ हमारे पास इतना हो गया, देखिए ये लेंथ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फोकस पे रखेंगे, बिल्कुल फोकस पे रखेंगे और इसको कट करेंगे, कहां कट कर रहा है यहां पे और दूसरी जगह कट करेंगे यहां पे, मेरी बात समझ आ रही है। देखिए ये लेंथ कहां से लेना है, ये लेंथ आपका ये होना चाहिए पहली वाली लाइन का, देखिए पहली वाली लाइन ये कट कर रहा है यहां पे, देखिए शायद आप लोगों को दिखे ये पहली वाली लाइन, ये वाली यहां पर हमको लेना है। ठीक है, अब यही लेंथ हम लोग क्या करेंगे, इस फोकस से लेकर के एक बार कट करेंगे यहां पे, दूसरी बार कट करेंगे यहां पे, ये बात समझ में आई होगी। अब दूसरी बार देखिए, दूसरी बार क्या करेंगे हम लोग, ये वाली लंबाई लेनी दूसरी, यानी कि अब मैं बढ़ा दे रहा हूं, देखिए मैंने बढ़ा दिया यहां पे, यानी कि ये लंबाई अब हो गई, यानी कि दूसरी वाली लाइन पे। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर फोकस पे ही रखेंगे, फोकस पे ही, अब मैंने लंबाई कौन सी ली है, दूसरी वाली की ना, तो यानी कि दूसरे वाले को मैं यहां पर कट कर रहा हूं और दूसरे वाले को यहां पर कट कर रहा हूं। ठीक है, हम लोगों ने कौन सी लंबाई ली थी, देखो क्या करना था, देखो पहली वाली हमने लंबाई लिया यहां पे, थोड़ा सा प्रकार रहता था, हालांकि इसमें प्रकार जो है मेरा इसमें चला जाएगा तो निकल नहीं पाएगा ना, हम इसमें छेद नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने प्रकार का उपयोग नहीं किया है। देखिए एक बार ये है, देखिए हमारे पास ये लंबाई हम लोग पहली बार लेंगे, देखिए पहली बार लंबाई हमने ये लिया एक तो यहां पर, ठीक है, और इसी लंबाई को लेकर के यहां पे लिया ना, तो इस लंबाई को लेकर के मैं यहां पे कट कर दे रहा हूं, देखो ये हो गया कट यहां पे, ये कट यहां पे, ये तो हमारा वर्टिक्स है, वर्टिक्स को छोड़ दीजिए आप। दूसरी बार क्या करना है, इस वाली लंबाई को लीजिए, यानी कि ये वाली लंबाई हमारी यहां पे आ गई इस वाली रेखा पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फोकस पे रखेंगे, अब इस वाले को कट करेंगे यहां पे और नीचे कट करेंगे यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से लेकर के अब इस वाली लंबाई को लेंगे यहां पे, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, अब यहां से लेंगे फोकस और हम कट करेंगे कहीं यहां पे, चलिए कट यहां पर नहीं कर रहा, कट करेंगे कहीं यहां पे, लाइन को बढ़ाएंगे तभी देखिए हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही सभी को, जरा हाँ आना में बताइए कैसे करना है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, देखिए जो लाइन लेंथ यहां पे थी वो लेंथ यहां पे थी। अब देखिए हमने जो ये लेंथ लिया ना, ये लेंथ लिया है, अब देखिए इसी मेजरमेंट का हमने आर्क भी तो लिया है। कहने का मतलब यह है कि देखिए हमने क्या किया, यहां से तो हमने इसे कर दिया, अगली बार में क्या लिया था, यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लिया था, जो लिया था वही फोकस से भी हमने यहां पे भी डिस्टेंस लिया था, यानी कि ये वाली लंबाई भी हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगली बार मैंने क्या लिया था, इस वाले लेंथ को लिया था, यानी कि ये वाला लेंथ लिया था, ठीक है। जब ये वाला लेंथ लेंगे और फिर यहीं से हम इस वाले लेंथ को कट करेंगे, तो देखो यहां पे कट हुआ है, ठीक है, यानी कि जो यहां से ये वाला लेंथ है, ये वाला वही लेंथ हमारा क्या है, ये लेंथ है। ये मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, बताना बच्चों जरा, ये समझ में आ रहा है सभी को,
ठीक। अब देखो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट कहाँ मिला है, देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ मिला है, तीसरा पॉइंट यहाँ मिला है, और चौथा को मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो हमारा कहाँ मिलेगा, ये कट करता हुआ यहाँ मिलेगा, इसको और आगे मैं बढ़ाता हूँ तो ये कट करता हुए यहाँ पे मिलेगा, इसको भी तो देखिए यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है, और ये आपका यहाँ पे कट है और यहाँ पे कट है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही सभी को, पॉइंट सभी को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, जरा मुझे आप लोग पॉइंट्स बता दीजिए। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं क्या, इसेंट्रिसिटी मुझे लग रहा ज्यादा हो गई है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, वर्टिक्स हमारा ये है, अब फ्रेंच कर्व की सहायता से इस पहले वाले को हम लोग कहां ऐड कर देंगे, इसको हम लोग इस पर मिला देंगे, मैं दूसरे पेन से मिला दे रहा हूं थोड़ा हाईलाइटेड पेन से, ठीक है। देखिए इस वाले पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, फिर दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आया है, इसको इससे मिला देंगे, फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास आया है, इससे इसको मिला देंगे, ठीक है, बस समझ आई है। अब देखो यहाँ पे हमारा कट किया था, ये देखो कट किया था हमारा कहाँ पे, यहाँ पे कट किया था, दूसरा कट यहाँ पे था, तीसरा कट यहाँ पे था, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंच कर्व लेंगे, पहले वाले मिलाएंगे कट पे, फिर दूसरे वाले पे, फिर तीसरे वाले पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से हम लोग का बन जाएगा पैराबोला, ठीक है। आगे वास्तव में इस तरीके से क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। अब देखिए मैं फिर से एक बार इसको ऐसे आप लोगों को बिना इसका प्रयोग किए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कैसे कैसे आप लोग करेंगे, ठीक है, ताकि आसानी रहे आप लोगों को। देखिए पिछली बार में आया हुआ क्वेश्चन है ये और इलिप्स दो पूछा गया है, इसलिए मैं इसको कई बार बता रहा हूं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और ये हमारा हो गया वर्टिक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा फोकस, ठीक है। अब इन पे हम लोग क्या करेंगे, इन सभी पे हम लोग पैरेलल लाइन खींच लेंगे, फिर मैं पैरेलल लाइन ले लेता हूं, कुछ पैरेलल लाइन ले लेंगे आप लोग, ठीक है, पैरेलल लाइन ले लेंगे। अब देखो पहली बार में क्या करेंगे, ये वाली लंबाई तो ये वाली लंबाई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहली वाली लाइन के लिए। अब दूसरी वाली लंबाई में क्या करेंगे, देखो दूसरी बार में हम लोग यहां से मेजर करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मेजर करेंगे, जितना ये लेंथ आएगा ना इस फोकस से उतने ही पे इस लाइन पे, देखो हमने डिस्टेंस कौन सा लिया है, ये डिस्टेंस लिया है और फोकस हमारा ये है, इस पे कहीं कट करेंगे, सपोज दैट कि ये यहां पे कट किया, सेम लेंथ हमारा क्या होगा, नीचे यहां कहीं कट करेगा। अगली बार में क्या लेंगे, अगली बार में हमारा आर्क यहां से यहां तक लिया जाएगा, ठीक है, अगली बार में आर्क कहां से कहां तक, यहां से यहां तक आर्क लेंगे, जो ये लंबाई रहेगी अब इसी लंबाई को इसके ऊपर हमें कट करना होगा, सपोज दैट कि ये कहां कट करेगा, यहां कट किया। अगली बार में हमको क्या लेना है, पूरा यहां से लेकर के यहां तक लेना है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक लेना है, और फिर जो जो इतना बड़ा लेंथ आया है उसी लेंथ से हम लोग कट करना है, तो मान लीजिए आपका यहां पे कट किया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है, फ्रेंच कर्व की सहायता से, देखिए ये है इस वाले पॉइंट पे है, यानी कि इसको और फिर इसके बाद से इसको, फिर यहां से ऐसे, आप इन सभी को क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व की हेल्प से ऐड कर देंगे, ठीक है, हाथ से नहीं करना है, फ्रेंच कर्व से। अच्छा आदित्य कोई बात नहीं, ठीक है, नेट स्लो चल रहा है, गांव में स्लो चलता है भाई, क्या करोगे, घर पे हो ना तुम। इस तरीके से देखिए हमारा क्या बन गया, इस तरीके से हमारा बन गया ये पैराबोला। ये बात समझ में आ रही, पैराबोला कैसे बना है, बताओ बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अच्छा बताओ, अभी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इस तरीके से आप लोग पैराबोला बना लेंगे नहीं बना लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें बता दीजिए भाई, बताओ बच्चों हो जाएगा ना। चलिए चलिए अगर ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे सब करके, यानी कि देखिए इसमें पैराबोला में आप ऐसे भी देखिए क्या है ना, कि हम लोगों ने पहली बार आर्क ये लिया था, हम लोग ये डिस्टेंस लिया था,
अब सेम डिस्टेंस का हम लोगों ने आर्क लिया है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। क्यों? क्योंकि यही वाला आर्क हम लोगों ने यहां लिया था। अगली बार में हम लोगों ने लेंथ कौन सा लिया था? अगली बार में हम लोगों ने लेंथ ये लिया था, यहां से यहां तक लिया था और उसी का आर्क लगाया था। यानी कि देखिए क्या है, ये हमारा लेंथ सेम है। अगली बार में यहां से हम लोगों ने यहां तक लिया था, यानी कि ये वाला लेंथ लिया था, ये वाला लेंथ लिया था और वही लेंथ लेकर के यहां हमने आर्क लगाया, यानी कि ये वाली लंबाई क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखिए हाइप यानी कि पैराबोला का कंडीशन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा ना। हाँ, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, दोनों तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। वैसे इस तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जरा एक और तरीका। ये हो गया आपका, ये समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जरा, देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें किसी स्केल का हम लोग अभी फिलहाल यूज नहीं करेंगे, हम लोग ये जो बड़ा वाला मैंने लिया है, ठीक है, बना लेंगे। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं, देखिए भाई मेरा प्रयास इसीलिए है कि आपका ड्राइंग में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एक हम लोग फिर से बनाते हैं, एक हम लोग एक लेंथ में, ये हो गया। अब यहां से हम लोग एक लेंथ में ये ले लेंगे, जैसे मान लो हमारा यहां पे ये हो गया और यहां पे एक पॉइंट और इसके जस्ट डबल, इसके जस्ट डबल, डबल इन द सेंस हमारे पास ये हो गया। देखिए हमारे पास एक पॉइंट ये मिल गया, ये पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, आप लोगों को ये पॉइंट्स दिए रहेंगे। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए चालू हो गया, ठीक है, आप लोग बात समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये देखिए, इसको हम लोग इससे अटैच कर देंगे यहां से, और इस वाले पोर्शन को हम लोग अटैच कर देंगे यहां से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरीके से अटैच कर लेंगे और इन लाइनों को हम लोग इक्वल पार्ट में बांट लेंगे। अच्छा, लाइन को इक्वल पार्ट में बांटना मैं आप लोगों को सिखाया है, ठीक है, इक्वल पार्ट में बांट लेंगे, 8 से 9 पार्ट में। एक देखिए मैं बांट रहा हूं, ठीक है, इक्वल पार्ट में हमारा क्या हो गया, बट गया। अब इसको भी आपको क्या करना है, ठीक है, अब देखिए इसको भी आपको क्या करना है, नाम दे देते हैं हम, इसका इसका नाम दे देता हूं मैं, ये हो गया A1, एक दूसरा और कहां गया, कहां रख दिया मैंने दूसरा वाला कलम, नहीं दिख रही है मुझे, कहीं और रख दिया क्या मैं, अच्छा गिर गया, नीचे गिर गया, ओके मिल गया मिल गया। ठीक है, A1 A2 ये हो गया, A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूं A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश A5 डैश A6 डैश A7 डैश, इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे ट्रैक्टर नहीं है, वो जेनसेट चल रहा है, ठीक है, पंपिंग सेट वाला जो जेनसेट होता है वो है, ट्रैक्टर नहीं है। अब देखिए मैं यहां पे इसका, चलिए एक बार लगा रहता हूं, देखिए इसका आप क्या करेंगे, इससे इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और यहां से आप पीछे नीचे आते जाइए, ठीक है, ये आप आ जाएंगे यहां पर, फिर आप आ गए यहां पे, ठीक है, और फिर इस तरीके से आप आ जाएंगे यहां पर, मेरे पास समझ में आ रही है, इसको ट्रायंगुलर मेथड कहते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर मेथड कहते हैं इस मेथड को, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और फिर यहां से हम लोग क्या कर देंगे इसको, और फिर फाइनली क्या कर देंगे हम लोग, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये बात समझ में आ रही है सभी को, ऐसे बना हुआ है, तो देखिए ये हमारा इस तरीके से A1 जो अटैच होगा 7 डैश से, फिर
फिर ए टू अटैच होगा सिक्स डैश से, इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग फ्रेंच कर्व लेंगे और इन सभी को, ये देखो सभी क्या है, टेंजेंट्स हैं, इसको टेंजेंट मेथड भी बोला जाता है। टेंजेंट्स जो हमको मिले हैं, देखिए सारे टेंजेंट्स मिले हैं किसके, पैराबोला के टेंजेंट्स मिले हैं। इन सभी टेंजेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, आपस में अटैच कर देंगे। क्या कर देंगे, आपस में अटैच कर देंगे, किससे, फ्रेंच कर्व की सहायता से। फ्रेंच कर्व हम लोग लेंगे और फ्रेंच कर्व से इसको ठीक है, फ्रेंच कर्व से इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से हम लोग ड्रा कर देंगे। बात समझ में आ रही है, तो देखो ये कैसा बन गया, ये बन गया हम लोगों का पैराबोला, ठीक है। ये ट्रायंगुलर मेथड या टेंजेंट मेथड बोला जाता है, और रेक्टेंगल मेथड भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसे लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे, यहां पर इक्वल पार्ट में डिवाइड और यहां पर भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इन सभी को मिलाते जाएंगे यहां से ऐसे ऐसे, ये भी बताया ना आप लोगों को सभी को, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ऐसे कर लेंगे यहां से। अब जो पॉइंट ऐड करें कट करेंगे, यहां लोगों ऐड ए कट किया, फिर ये कट किया, फिर ये ऐड कट करेगा, फिर ये कट करेगा, फिर यहां से, तो ये भी हमारा एक लोकस बनेगा। ये भी मैंने बताया कि नहीं बताया, अभी बताया ना ये वाला, उस समय शायद कम लोग थे, बताओ ये सब कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये वाला जरा ये वाला बता दीजिए मुझे, ये वाला ट्रायंगुलर मेथड जो बनाया, रेक्टेंगुलर मेथड, ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा बता दो बच्चों उसको, उसके बारे में, नहीं तो मुझे फिर से बताना पड़ेगा उसको। अच्छा मनीष नहीं थे क्या उस समय, उसको फिर से बताना पड़ेगा। बताओ फिर से बताते हैं उसको। अच्छा चलो ठीक है, उसको फिर से बता दे रहा हूं, उसको फिर से बता दे रहा हूं। देखो इस केस में क्या होता, चलिए इसको मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को। अच्छा ज्ञान का नेट खत्म हो गया क्या, चलिए ठीक है, अच्छा गुप्ता देखिए आपको फिर से बता रहा हूं। देखिए ऐसे मेथड में आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आपको यहां पे, चलिए पूरा बना ही देता हूं ना, जरा एक बड़ा सा बनाता हूं, ठीक है, उसमें आप लोग समझ लीजिए कैसे करना होता है। सब मेजरमेंट के साथ होगा, हालांकि मैं बिना मेजरमेंट का कर रहा हूं, आपको क्या करना होगा, सब मेजरमेंट के साथ करना होगा, ठीक है। मैं विदाउट मेजरमेंट कर रहा हूं, आपको जो है मेजरमेंट के साथ करना होगा, आपको दिया जाएगा मेजरमेंट, मैं तो ऐसे ही कर दे रहा हूं। ठीक है ये हो गया, इसको सेंटर में ये ले रहा हूं इस तरीके से, और इसको भी मैं ऐसे ज्वाइन कर ले रहा हूं, चलिए बंद हो गया आवाज आ गई, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इक्वल पार्ट में, या फिर आप यहां पे इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, या फिर यहां पे इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। हमारे पास ये हो गया, जैसे इसको मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे इक्वल पार्ट हो गया डिवाइड, और यहां पे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको मैच करा दीजिए ऐसे, ठीक है, मैच हो गया। अब क्या से क्या होगा, ऐसे इसको मैच करा दीजिए पूरा। अब यहां से हम लोग जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे थे, ठीक है, आप ऐसे खींच लीजिए इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर आप लोगों ने खींच लिया। अब देखिए हमारे पास, देखिए पहली लाइन ये हो गई,
पहली लाइन पे और ये नीचे वाला हमारा यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बढ़िए और इस यानी कि इस लाइन में आगे बढ़िए और इससे ऊपर बढ़िए, दोनों लाइनें आपस में कहाँ कट कर रही हैं, अगली बार में यहाँ कट कर रही हैं, फिर इससे आगे बढ़िए यानी कि ये वाली लाइन और हमारी अगली वाली ये वाली लाइन कहाँ कट कर रही है, देखो ये वाली लाइन अगली हमारी यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। फिर इससे आगे बढ़िए और फिर इसके ऊपर बढ़िए, फिर अगली वाली लाइन कहाँ कट करेगी, इस तरीके से जितने भी इंटरसेक्शन बनेंगे डिफेक्टेड है। अच्छा क्या डिफेक्टेड है जरा बताओ भाई, क्या चीज डिफेक्टेड है मैं समझा नहीं। ठीक है तो देखो मेरी बात समझना कि ये जो पहली लाइन होगी और इधर से पहली लाइन होगी जो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो हमको पॉइंट मिलेगा, एक लाइन इधर बढ़ेंगे और एक लाइन ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, जो मिलेगा वो दूसरी लाइन होगा, फिर इधर आगे बढ़ेंगे फिर इधर ऊपर बढ़ेंगे जो मिलेगा वो लाइन हो, इस तरीके करते करते हम लोग यहां जाएंगे और यहां पे ऊपर तक जाएंगे। तो जो पॉइंट मिलेगा आपकी मर्जी है, इसमें आपका फिक्स नहीं है ये पॉइंट ना, इसलिए मैं संख्या नहीं दे रहा हूं, ये आपकी मर्जी होगी आप कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ये है कि जितना ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा स्मूथ बनेगा और स्मूथ बनने के साथ में ये होगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है, इसे हम 50 इसमें रख लिए या 30 रख लिए 20 रख लिए ऐसा नहीं है, आप 8 से 10 रखिए इसमें, 8 से 10 रखिए इसके बीच में, सुंदर बनेगा, ठीक है, मतलब स्पष्ट दिखेगा पॉइंट आपको दिखा पाएंगे। ये देखिए फिर क्या हो गया हमारे पास, यहां हमने लिया है पहले पॉइंट पे गए, फिर इससे मिलाए दूसरे पॉइंट को, दूसरे से तीसरे पे, और फिर ऐसे करते हुए आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यही सिमेट्रिकल पार्ट आपको यहाँ पे इधर भी मिलेगा, तो यहां से भी आप वापस आकर के यहाँ पे चले आएंगे, सेम सिमेट्रिकल पोर्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, सेम सिमेट्रिकल पोर्शन आपको इस साइड में भी मिलेगा, ये बात समझ में आ रही है। सिमेट्रिकल पोर्शन देखिए मैंने बनाया नहीं है, सिमेट्रिकल पोर्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट को कॉन्स्टेंट रखना, सभी को ऐसे खींचते जाइए सभी में, और फिर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं आपने, यहां से लीजिए फिर ऊपर से लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां पे कट करें देखिए पहली लाइन इसकी पहली लाइन और फिर इसकी पहली लाइन, आप जहां पे कट करें फिर ऊपर बढ़िए इधर इधर बढ़िए, जो ऐड कट करें उनको पॉइंट बनाते जाइए, और इन्हीं पॉइंट को फ्रेंच कर्व की सहायता से हमको क्या करना आता है, फ्रेंच कर्व की सहायता से हमको मैच करा देना होता है, तो क्या बन जाता है हमारा ये पैराबोला बन जाता है, ठीक है। हाँ हाँ देखिए ये जो लाइन आप करेंगे ना, ये वाली जो लाइनें आप लोग खींच रहे हैं, ये वाली लाइनें किससे होंगी, ये ठीक है 3H या 2H का उपयोग करेंगे, ठीक है 3H या 2H का उपयोग करेंगे, और ये जो खींचने के लिए है ना, ये जो आपका जो पैराबोला बनाएंगे इसको आप बी पेंसिल या फिर क्या करेंगे HB पेंसिल या फिर HB पेंसिल का उपयोग करेंगे, ठीक है, सर इसके लिए 3 या 4H नहीं होता 4H होता है, ठीक है। हाँ 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 ठीक है, ये देखिए ये जो ग्रिड आप लोग बना रहे हैं ना, ग्रिड या फिर कोई कंस्ट्रक्शन बना रहा है, इसके 3H या 2H, 4H तो दिखेगा ही नहीं, या 4H का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इससे आगे आप लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो पॉइंट आप लोगों को दिखेगा नहीं, बहुत हार्ड होती है ना वो पेंसिल। हाँ ट्रैंकर वाला तो आसान है ही है, ये बात समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, ये बात क्लियर हुई, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा हमारा पैराबोला। अब हम लोग आते हैं इलिप्स पे, इलिप्स का एक मेथड मैंने बता दिया था, ठीक है, कल बता दिया था, आज एक इलिप्स का एक दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग इलिप्स पे। अच्छा इलिप्स होता क्या है, जिसके दो सेंटर्स होते हैं, क्या होते हैं, दो सेंटर्स होते हैं, इलिप्स के दो सेंटर्स होते हैं। देखिए इलिप्स आप एक ऐसा होता है फिगर, ठीक है, अंडाकार, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का इलिप्स, ठीक है, अभी ये इलिप्स नहीं लग रहा मुझे, कुछ और ही लग रहा है, इलिप्स बनाते हैं जरा सही से ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इलिप्स क्या होता है।
ज्यादा इधर उधर चला जा रहा है। ठीक है, समझ, मान लीजिए कि ये इलिप्स है पूरा। ठीक है, ये इलिप्स मान लीजिए, अब ये इलिप्स जैसा मुझे लग रहा है हल्का फुल्का। ठीक है, हाँ ये इलिप्स है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक यहाँ पे फोकस हो जाएगा। ठीक है, यह फोन का चली नहीं रहा, दूसरा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस ये हो जाएगा और दूसरा फोकस हमारा क्या हो जाएगा, ये एफ टू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे फोकस हो गए। अब देखिए ये जो पूरा लेंथ आएगा यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होता है बच्चों मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये जो आएगा ये हो जाता है माइनर एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक से बिल्कुल बिल्कुल एक से। अब देखिए इसकी खासियत क्या होती है बच्चों, देखो इसकी खासियत ये होती है, कहने का मतलब कि किसी भी दो फोकस पॉइंट्स के बीच में अगर हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया, तो ये लेंथ, इन दोनों का लेंथ ये प्लस ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, ये हमेशा दोनों जो है कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि ये लंबाई प्लस ये लंबाई दोनों को अगर इक्वल किया जाए तो क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मैं यहां से ऐसे ले लेता हूं इसको और यहां से ले लेता हूं ऐसे, इसको इसको जोड़ा जाए तो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और दूसरी बात, यानी कि ये लंबाई और प्लस ये लंबाई ले लेते हैं, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये होगा, ये प्लस सॉरी ये बराबर हो जाएगा आपका ये प्लस ये, यानी कि इन दोनों का एड बराबर होगा इन दोनों के समेशन के। यानी कि किसी भी, यानी कि ये वाला लेंथ का एडिशन जो है वो कहीं चेंज नहीं होगा। ऐसे वाले शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा इलिप्स। ठीक है, क्या होता है, ये इलिप्स होता है। और ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है हम इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है माइनर एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ये होता हमारा माइनर एक्सिस। इसके पहले वाले लेक्चर में कल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल से, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल से हम लोग अरे अक्षत गुप्ता ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं कैसे दे दूंगा आपका एग्जाम। ठीक है, आगे बात समझ में, देखिए तो क्या हो जाता है, ये दोनों का समेशन ऐड हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा इसके। इसके पहले हम लोगों ने कंसेंट्रिक सर्किल का पढ़ लिया था। ठीक है, कैसे दो सर्किल बनाए थे, ठीक है, एक मेजर एक्सिस वाला और एक माइनर एक्सिस वाला। और फिर उसको हम लोगों ने क्या किया था, कल वाला मेथड याद है जिसमें कोई बता रहा था सर आंख बनाए हैं, कल वाला मेथड याद है, किसी ने बोला था सर आंख बनाए हैं, वो आंख वाला मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है डबल कॉन्सेंट्रिक सर्किल से। अब देखिए हम लोग दूसरे मेथड से पढ़ेंगे, किसको, इलिप्स को बनाना। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दूसरे मेथड से इलिप्स बनाने को दूसरे मेथड से हम लोग अब इलिप्स की बात हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए दूसरे मेथड से हम लोग इलिप्स कैसे बनाएंगे इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, इलिप्स का मैंने बता दिया कि यहां इन दोनों का एडिशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग जरा अब दूसरे की हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरे मेथड की हम लोग बात कर लेते हैं कि दूसरा मेथड कौन सा होगा। देखिए आप लोगों को मेजर एक्सिस दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा, मेजर एक्सिस दिया जाएगा। मान लीजिए मेजर एक्सिस आपको ये दे दिया गया। ठीक है, मेजर एक्सिस आप लोगों को ये दे दिया जाएगा ए ए डैश। ठीक है, और माइनर एक्सिस भी दिया जाएगा। अरे ये आर्ट से और वो आर्ट से दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये ड्राइंग है, वो आर्ट्स है, उसमें कला आता है और इसमें क्या आती है, इसमें ड्रा करने के लिए आता है, दोनों अलग अलग चीज है। इसमें आप भावनाएं नहीं व्यक्त कर सकते हैं, और आर्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, भावनाओं को क्या था? भाव दिया जाता है, इसमें भाव नहीं दिया जाता है, इसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, अंतर है थोड़ा सा, ठीक है, अंतर है थोड़ा सा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये मेजर एक्सिस हो गया और हमको दिया जाएगा माइनर एक्सिस। ये हो गया हमारे पास माइनर एक्सिस बी और
बी डैश करता हूँ, स्टार्ट करते हैं बी डैश। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एक हो गया ए डैश और यहाँ पे अब क्या, एक हम आर्क लेंगे, आर्क लेकर के यहां से हम इसको यहां पर ले आकर आ जाएंगे। आर्क से मैं लेकर देखता हूं यहां से, ठीक है, क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे, ये आर्क हमारे पास, छोटा करता हूं जरा, ये आर्क हो गया हमारे पास यहां पे, और लेकर आएंगे यहां पे, और इसी आर्क को हम लोग लेकर आएंगे यहां पे। ये देखिए एक आर्क हो गया। अब देखिए जो ये आर्क बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा फोकस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा फोकस। तो इसको मैं नाम देता हूं F1 और इसको नाम देता हूं F2। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं F1 और इसको नाम देता हूं F2। मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसका नाम F1 है और इसका नाम F2। मैं यहां फिगर एक बना दे रहा हूं। हम लोग क्या कर रहे थे, पहले ये और ये लेंथ हम लोग ले रहे थे। ठीक है, और इसी चीज को जरा आप लोग ध्यान दीजिए, इसको मैं नीचे उतार के लेके आऊंगा तो ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली पूरी लेंथ हमारी इसके बराबर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं बच्चों, जरा बात मुझे बताइए, ये समझ में आ रहा है। देखिए कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग को हमको क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यहां से हमारे पास एक फोकस है, दूसरा फोकस है, एक धागा यहां से यहां तक आए और यही वाला यहां से यहां तक आए, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहीं पर भी मूव कराएं, जैसे मान लिया हमने मूव कराया यहाँ पे और ये मूव कराया यहाँ पे, इसी को हम लोग इस पे इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी और ये वाला धागा जो पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ये कहलाता है हमारा क्या, इलिप्स कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमें पॉइंट ढूंढना है, क्या ढूंढना है, हम लोग को पॉइंट ढूंढना है। तो सबसे पहले लेंथ हमारा कहीं पर चेंज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, चेंज लेंथ हमारा चेंज नहीं होगा। देखिए ये जो हमारे पास लेंथ है, ये वाला लेंथ, फिर से मैं बात करता हूं इसकी, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास लेंथ है, असल बात मार्कर को ज्यादा देर तक खोल के रखने बाद से सूखना शुरू हो जाता ना मार्कर, ये देखिए बच्चों ये हमारे पास जो लेंथ है, देखिए ये हमारे पास एक लेंथ है ना, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, ये लेंथ दिख रहा है, हम लोगों ने एक मार्क किया यहां पे और सेम मार्क कर देंगे यहां पे एक लेंथ का, ये वाला लेंथ जो हमको दिख रहा है ये इतना, ठीक है, ये देखिए हम लोग को मिल गया, यानी कि ये लेंथ हमने बना लिया। अब दूसरा लेंथ क्या होगा, ये हो गया हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, कहने का मतलब ये लेंथ हमारा कहां का हो जाएगा, ओ भाई क्यों हिल जा रहा, देखो ये लेंथ हमारा हो जाएगा ये वाला दूसरा लेंथ, ठीक है, दूसरा लेंथ हो जाएगा हमारा ये यहां पे। तो इसको मैं खींच रहा हूं कहीं मार्क इधर और कर दे रहा हूं कहीं मार्क इधर, ठीक है। अब देखिए यही लेंथ हमारा यहां पे है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे कि हम लोग पहले यहां पे लिया था और एक हमने मार्क कर दिया था ऐसे और दूसरा हम लोगों ने क्या लिया था, इसको मार्क कर दिया ऐसे, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, इसको ये देखिए मेथड पूछ लेता है, ठीक है, ये मेथड आपको, अच्छा अक्षर ने क्या पूछा है भाई आशीष, ठीक है, ये देखिए यहां से हमने एक ए ले लिया और यहां से हमने एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक है, हमारे पास पॉइंट क्या है, फिक्स है। देखिए ये वाला लेंथ हमारे पास ये है और यहां से हमने लिया है ये वाला, ठीक है, यहां से हमने ले लिया इस ये पॉइंट को, देखिए कहने का मतलब ये है, अब इस पॉइंट से हमने तो ये वाला कर दिया, क्या करते हो हमको मतलब तो समझाओ इसका, अच्छा आप लोग क्या बातें करने लग गए भाई, देखो इसे जान लो, इस मेथड का हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। कहने का मतलब है कि ये बराबर ही हो गया, यानी कि हम यहां से लेंथ लिए इसको और यहां से लेंथ लिए इसको, अगर हम ऊपर करते हैं तो ये वाला लेंथ कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि देखो ये वाला लेंथ हमारा जैसे यहां से लिए आर्क किए तो ये वाला लेंथ ऊपर चला गया और इसको कट करेंगे हम लोग का कट ए हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लेंथ से देखो क्या किया था हमने, इस वाले लेंथ को ऐसे कट दिया ना, ये वाला लेंथ है और प्लस इतने लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे इधर, हमको दो पॉइंट मिल जाएगा, इसी तरीके से एक इधर पॉइंट मिलेगा और एक इसी तरीके से, हालांकि मैंने ये ले लिया यहाँ पे हमको इधर पॉइंट मिलेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है ये। अब देखो कहने का मतलब ये है कि जो ये लंबाई हम लोगों ने लिया था ना, काटा था ऐसे कर्व, अब ये लंबाई लेकर हम लोग इधर ऐसे कर्व काट देंगे, जैसे कि
ये जो जितना लेंथ है हमारा यहाँ पे हम लोगों ने लिया था बच्चों ने, वो कहने का मतलब ये है कि जितना हम लोगों ने ये कर्व लिया था, एक बार हम लोगों ने कर्व ऐसे काट दिया यहाँ से, इस लंबाई का कर्व हम लोगों ने ऐसे काट दिया, ठीक है। और दूसरी यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई का, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई का हमने क्या कर दिया, एक ऐसे कर्व काट दिया, तो यहां हमको मिल गया। अब इसी तरीके से ये लंबाई का लेकर के, यानी कि इस लंबाई का लेकर के हमने एक कर्व काटा, और ये वाली लंबाई लेकर के हम लोगों ने यहां पे एक कर्व काटा, तो हमको एक पॉइंट यहां मिल गया। और सेम काम हम नीचे करेंगे, सेम काम हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे करेंगे, तो यहां पर भी हम लोगों को एक पॉइंट मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अब देखो अगली बार में क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ना, यहां से हम लोगों ने लेंथ को लेकर ऐसे काटा था, अब अगली बार में इसको लेंथ को हम लोग बढ़ा लेंगे। आप यहां से काट दीजिए, यहां से लेकर के यहां से काटिए, यानी कि एक पूरा लेंथ, देखो हम लोगों क्या लिया था, ऐसे लेंथ लेकर ऐसे कट किया था, अब अगली बार पॉइंट कहीं यहां ले लीजिए, अगली बार पॉइंट हमारा ये ले लीजिए, पॉइंट हमारा ये हो गया ना, ये वाला पॉइंट, अब अगली बार पॉइंट ये ले लिए, और फिर इससे हम लोगों कहीं काट दिया। अब मिटा के बनाता हूं, ये आपस में क्या बातें कर रहे भाई, अरे देख लो इधर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आ जाएगा कैसे करोगे। अगर आ जाएगा तो कैसे करोगे भाई, आपस में क्या बातें कर रहे हो, जरा रुक जाओ इधर देख लो। बताओ यार इतना समझ में, ये चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को, ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं फिर से आपको बताऊंगा इसको, ये चीज किसी को समझ में आ रही है जरा मुझे बताओ, ये वाला नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जरा आप लोग बताइए मुझे, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? जरा बताइए बच्चों जरा, ये नहीं देख रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, देखिए ठीक है, बताइए ये वाला मेथड आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला जो मेथड मैं बता रहा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा एक बार और बता दें, चलिए ठीक है एक बार और बताते हैं, कैसे कैसे क्या करना है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं बता दूं सीधे सीधे तो कोई बात नहीं है, देखिए एक बार फिर से बता रहा हूं, चलिए आप कह रहे थे एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे कैसे करना है, ये मतलब नहीं होना चाहिए क्यों करना है आपको, ये अगर याद रहा तो आप लोग कर जाएंगे। ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस जिसको मैं बोलूंगा ए, और ये हो गया ए डैश, ठीक है, ये हो जाएगा माइनर एक्सिस, ये हो हमारे पास, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बी डैश, इसको आर्क को हम लोग नीचे लेकर आएंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा हमारा एफ वन, और इस आर्क को नीचे लेकर जाइए यहां पे, ये हो जाएगा हमारा क्या एफ टू, देखिए हमारे पास एक फोकस है, ठीक है। अब देखिए यानी क्या होता है, ये और ये लेंथ हमारा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब कहने का मतलब इन दोनों का ऐड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसको यहां पे पॉइंट लेकर आता हूं तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए इसी एक आर्क को लेकर के यहां पे जो लेंथ है इसको मैं कहीं इधर कट कर देता हूं, इस आर्क को लेकर के मैं इधर कहीं कट कर देता हूं, देखो ये वाला आर्क लेकर के इसको आर्क को लेकर मैं यहां कट कर देता हूं, जैसे यहां कट कर दिया, और फिर एक वाले आर्क को लेकर के मैं यहां कट कर देता हूं, ये कट हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, मेरी बात? अब देखो फिर यहां से F2 को लेकर के, F2 को लेकर के A और ये F2 को लेकर के यहां से कहीं कट करेंगे हम लोग ऐसे, जैसे हमारा क्या था, ये और हम लोग ऐसे कट किए थे या फिर ऐसे कट किए थे, हमारे पास एक पॉइंट ये मिल गया था, ठीक है। अब ये वाला जो देखो इसको F2 को यहां से लेकर के हम लोगों ने कट किया था ऐसे, इस तरीके से मिल गया था, इसी तरीके से हम लोग इसको आर्क को लेकर के यहां पर कट करेंगे इस तरीके से, और फिर यहां से कट करेंगे, इस F2 से केंद्र मानते हुए हम लोग यहां कट करेंगे और यहां कट करेंगे, इस तरीके से हमारे पास चार पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा कंफ्यूज हो गया, इसमें देखिए क्या करेंगे, हमारे पास ये जो लंबाई है ना इसको नीचे लेकर आएंगे तो F हमको यहां मिल जाएगा, ये वाली लंबाई है इसको नीचे लेकर आएंगे तो F2 हमको यहां मिल जाएगा। अब क्या करना है, जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मेरी बात ध्यान सुनिए,
जो ये यहां पे दिया हुआ है, यानी कि इस लेंथ को क्या करेंगे, कहीं इधर कट करेंगे, ये वाला लेंथ लेकर के कहीं इधर कट करेंगे, और देखिए यानी कि ये वाली जो लंबाई होगी, यानी कि यहां पे आ गया, यानी कि ये वाली जो लंबाई होगी वो कहीं इधर आ गई, ये वाली लंबाई, यानी कि ये इधर आ गई, यानी कि यही वाली लंबाई तो यही है, क्योंकि मैंने इसी को लेके आर्क मारा है, यहाँ पे लेके आर्क मारा है, ठीक है। अब देखिए एफ वन सॉरी एफ टू से लेके ए वन तक, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एफ टू से लेकर के ए वन तक की लंबाई को लेकर के हम लोग आर्क बनाएंगे, यानी कि एक क्या बनाएंगे, आर्क बनाएंगे, तो कहीं यहाँ पे कट करेगा इस तरीके से। चलिए आप लोगों को इससे उससे ही दिखाता हूँ, तब शायद समझ में आए आप लोगों को, ठीक है, इससे ही बना के दिखाता हूँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन भागेगा नहीं, इससे बनाने में थोड़ा समय लगता हो, कोई बात नहीं है, अब लोग रुके रहिए तब तो बनाए इससे, नहीं तो सभी लोग भाग जाए, टाइम कितना हो गया। चलिए बस इसी को बना के फिर हम लोग रुक जाएंगे, और देखिए इससे मैं बना रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट आपको दिखा दे रहा भाई, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे कि कहाँ सर बना रहे हैं, भागेगा नहीं कोई, देख लीजिए कैसे कैसे करना है इसको, ठीक है। इंक भी खत्म हो गया, देखिए जैसे हमको एक लंबाई दे दी गई यहाँ पे, ये होगी लंबाई एक हमारे पास, अब इसका इक्वल देखिए जैसे कि लंबाई हमारे पास हो गई, और इसको हाफ करेंगे, हाफ मान लिया हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे भी एक लंबाई दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लंबाई दी हुई है। अब देखिए ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, अब माइनर एक्सिस का हम लोग फोकस जब हम निकालेंगे तो देखिए हम लोग का फोकस कैसे निकलेगा, ये देख लीजिए, यानी कि ये जो लेंथ है इसको हम लोग नीचे लेकर आएंगे, नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पे एक लेंथ और फिर यहाँ पे एक लेंथ, आगे बात समझ में, ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये हम लोग को मिल जाएगा फोकस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एफ वन और ये मिल जाएगा एफ टू, ये मिल गया हम लोग को फोकस। अब इसकी लंबाई हम लोग को पता है, यहाँ थोड़ा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ, ये देखिए ये हमारे पास एक एक्सिस है, जितनी लंबाई का है उतनी ही लंबाई का मैं इधर भी कर ले रहा हूँ, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ये एक्सिस है। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, कि जितना ये है यहाँ पे, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितना लेंथ है यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जितने लेंथ का है ये हमारे पास है, इतने लेंथ का एक आर्क लेंगे यहाँ पे, ठीक, और आके यहाँ पे नीचे भी लेंगे उतने ही लेंथ का, देखिए भाई थोड़ा सा ये हो गया। अब अगली बार में क्या करेंगे कि जो ये पूरा फोकस है, कहने का मतलब ये है कि जो यहां से लेकर के यहां पे लेंथ है, जो देखिए जो यहां पे लेंथ है, कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास, देखिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा ना, प्रकार होता तो आसानी से हो जाता, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ पहले, यानी कि ये वाला लेंथ आपका यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगा, तो कट ही नहीं कर पा रहा, ऊपर चला, देखिए ऐसे कट करेगा कहीं पे ऐसे, ठीक है, ऐसे कट करेगा, मेरी बात ध्यान समझिए, ऐसे कट करेगा कहीं पे, ठीक है, और यहां से हम लोग आर्क लेकर करेंगे तो इसको भी ऐसे कहीं से ये कट करेगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे बात समझ में, तो देखो यहां पे कट करेगा, देखो पहले हम लोग इस वाले आर्क को लेंगे, यहां पे कट करेंगे और फिर ऐसे करेंगे, फिर यहां से लेकर के इस इसको फोकस मान के क्या करेंगे, कट करेंगे, तो हमारे पास एक एक पॉइंट मिलेगा, एक ये पॉइंट मिल जाएगा, एक ये पॉइंट मिल जाएगा, सेम प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे, सेम पैटर्न हम लोग इधर फॉलो करेंगे, देखो क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या किया था, इसको आर्क लेकर के यहां से ऐसे खींचा था, और फिर यहां पे एक ऐसे आर्क लेकर के हम लोग ऐसे खींचेंगे, जैसे इसको आर्क लेकर के ऐसे खींचा था ऐसे, यानी कि इसको एफ टू को आर्क लेकर के ऐसे खींचेंगे एफ टू, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको केंद्र मानते हुए, ठीक है, किसको, यहाँ पे एफ वन को केंद्र मानते हुए कहीं पे ऐसे खींचेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग को एक ऐसे खींचेंगे, ये बात समझ में आ गई, तो देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिल जाएगा और एक पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है कि हमें ये लेंथ मिल गई और ये लेंथ मिल गई, मेरी बात समझ में आ रहा है। अब देखो इसी तरीके से हमको ये लेंथ मिल गया और ये लेंथ मिल गया, अच्छा इन दोनों का समेशन सेम है, मैटर को समझते चलिए तब समझ में आएगा, इन दोनों का समेशन सेम है, देखिए ये बराबर है इसके
और ये बराबर है इसके, यानी कि ये और ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए ना, ठीक है बराबर हो गए, यानी और ये इसके बराबर है। तो कहने का मतलब है इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो वो बराबर हो जाएगा इसको और इसको जोड़ने पे, ठीक है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को लीजिए यहां पर, ठीक है, यानी कि हमारा लेंथ अभी भी हमारा क्या होना चाहिए, हमारे पास देखिए ये पॉइंट तो मिल गया ना। अब हमारा डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास कहाँ है, एक ये है और एक ये है। आप चाहें तो इतने में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट कम से कम आपको अभी और लेना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब देखिए ये लेंथ बराबर इसके हो गया, ये और ये प्लस जितना होगा उतना ये और ये आपका एक प्लस होगा। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहां से ले रहे थे, अभी यहीं से ले करके, यानी कि इसी आर्क को लेकर के, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसी आर्क को लेकर के यहां क्या था, हम कहीं ऊपर लेके आते थे तो ये वाला लंबाई बदल जाती थी ना, क्या हो जाती थी, ये वाली लंबाई बदल जाती थी। कहने का मतलब ये है कि यहां पे ये वाली लंबाई बदल गई और ये वाली छोटी जाती थी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से कुछ आर्क बढ़ा देंगे, इसको कुछ आर्क बढ़ा दिए तो यहां से हम लोग आर्क बढ़ा कर यहां पे कट कर दिए, सॉरी यहां पे आर्क लेकर के और बढ़ा करके कहीं पे यहां कट किए, यहां पे कट किए। अब सेम आर्क का अभी चेंज नहीं करेंगे, सेम आर्क का हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सेम आर्क को हम लेकर के कहीं पे इधर कट करेंगे, सेम आर्क को लेकर के हम लोगों ने कहीं इधर कट किया, सेम आर्क हमारा लेकर के इधर हो गया। अब देखिए जितना हम लोगों ने आर्क लिया था यहाँ पे ना, अब हम लोग आर्क को यहाँ पे लेकर के, कहने का मतलब ये है कि देखिए जितना हम लोगों ने आर्क यहाँ पे लिया था, यानी कि ये वाले आर्क की लंबाई बढ़ा दी थी, यानी कि जितना लंबाई हमने बढ़ाई थी, यानी कि इस फोकस वाली लंबाई में क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, असल बात क्या है ना इसमें, जब तक थोड़ा समय लग जाएगा ना, असल बात क्या है, नहीं तो इसको मैं आप लोगों को, मेरे पास वो भी नहीं है ना, प्रकार भी नहीं है, असल बात मेरे पास प्रकार नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को उस पर बना के दिखा देता, ड्राइंग शीट पे बना के दिखा देता, ठीक है। मेरी बात यहाँ से ध्यान सुनिए बच्चों, क्या है आपको इक्वल पॉइंट ढूंढने हैं, इक्वल पॉइंट ढूंढने हैं। कहने का मतलब यह है कि ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये हो जाएगा। अगली बार में हमको क्या करना होगा, अगर हमारा ये वाला लेंथ अगर हम लोग क्या कर दें, चेंज कर दें, बड़ा कर दें, तो ये वाला लेंथ मान लीजिए हमने यहां कर दिया, ऐसे बड़ा कर दिया लेंथ को, आर्क हमने आर्क बढ़ाकर खींच दिया, तो जितना आर्क इधर से बढ़ाया है, जितना लेंथ हमने बढ़ाया है, क्या हुआ, जैसे मान लो हमने क्या किया था, यहां से लिया था इतना बड़ा आर्क लिया था, ठीक है, तो इतना आर्क हमने क्या किया है, बड़ा कर दिया ना, इतना आर्क हमने क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया है, ये वाला आर्क हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया है। अब हमारा क्या होगा, क्या कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, F2 से लेंगे डिस्टेंस को, इतना हम घटा देंगे यहां पे, भाई जितना हमने यहां पे आर्क बढ़ाया है बच्चों, उतना ही आर्क हम लोग यहां पे घटा देंगे। अब अगली बार में हमारा क्या होगा, देखिए इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, F1 ले रहे थे, यहां से ले रहे थे यहां पे, उसके बाद हम लोग खींच रहे थे, देखो ये वाला आर्क जो हमारा गया है, ये वाला जो आर्क जा रहा है यहां से F1 मान करके, यहां से ले रहे थे, लेकिन अगली बार में ये वाला घटा देंगे तो हमारे पास कहीं ये आ जाएगा ना, इतना हम लोगों ने बढ़ाया इधर, यानी कि इस वाले आर्क में हम लोग इतना बढ़ाया है, तो इसमें हम लोग इतना घटा देंगे ये वाला आर्क। अब हम लोग क्या करेंगे, F2 से इस आर्क को लेंगे और यहां पे कहीं कट करेंगे, और सेम प्रोसेस हम लोग इधर अपनाएंगे, यहां पे कहीं ऐसे मिलेगा, अच्छा मुझे लग रहा है नहीं समझ में आ रहा किसी को, अच्छा एक बार ईमानदारी से बताओ ये वाला नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा ना, क्या मैं कैसे बताऊं आपको इसको, असल बात ये चीजें थोड़ा सा दिखने वाली होनी चाहिए, अब बिना देखे कैसे होगा, अच्छा भाई बताओ जरा, एक चीज समझ में नहीं आ रहा ये वाला, चलिए लेकिन आज मैं इसको आपको समझा कर रहूंगा, जरा बताइए समझ किसी को आ रहा है क्या, कुछ हल्का सा भी भाई बताओ बच्चों जरा, क्या कोई हल्का सा भी कुछ समझ में आ रहा है इसमें, अरे मनीष बोलो तो कुछ सही, हाँ बोलो सुन रहा हूं मैं, बोलो बोलो मनीष क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझ, अच्छा ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा फिर से बता दें,
ट्राई करने वाली बात नहीं, इसे समझ में आना चाहिए, ठीक है? अगर आप लोग जरा एक मिनट रुके, एक मिनट भाग के नहीं जाएंगे, जरा एक मिनट आप लोग रुके रहे, आपको एक मैं इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। एक मिनट रुके रहे, कहीं जाएंगे नहीं। कहीं जाना नहीं बच्चों, एक मिनट रुके रहो, देखता हूं मैं आप लोगों को कुछ और करने की कोशिश करता हूं। आप लोगों के लिए भाई कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो इलिप्स का मतलब आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि इलिप्स का मतलब क्या हो रहा है। देखो इलिप्स को मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, भागना नहीं है। इसको काट दूंगा फिर धागे को, देखिए। चलिए मैं पूरे को मिटा करके फिर से आपको एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए और समझिए कि इलिप्स होता क्या है, ठीक है? इलिप्स, अरे गाना, अच्छा गाना गा रहे हो, ठीक है। देखो अच्छा इलिप्स होता क्या है, ये देख लो हमारे पास, मैंने थोड़ा थोड़ा उसको ज्यादा कर दिया, पास में कर दिया भाई। देखो मैं आज तुम लोगों को इलिप्स दिखा के ही रहूंगा कि होता क्या है, भागना नहीं बस। देखो तुम लोगों के लिए कुछ करना ही पड़े तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये है कि साथ में रहो, इंक खत्म ना हो जाए। ये देखो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है? देखो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्या है ज्यादा दूरी, ज्यादा हो गई, मैं थोड़ा सा दूरी को कम कर लेता हूँ इसमें, थोड़ा सा फिर होगा चलो, थोड़ा सा दूरी ज्यादा हो, इसको कम कर लेता हूँ ज्यादा दूरी को। ठीक है, वही मैं करने गया था। अब देखिए मैं आपको शायद समझा पाऊं कि इलिप्स को एक्चुअली में होता क्या इलिप्स और कैसे बन रहा है इलिप्स, ठीक है? मार्कर कहां रख दिया मैंने, मार्कर क्या चाहिए मैं। देखिए इलिप्स को मैं आपको इलिप्स को बना के आपको दिखा रहा हूं कि इलिप्स बनता कैसे है। सपोज ये देखिए इलिप्स में क्या होता है, ये हमारा स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट है ना। स्ट्रिंग को मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये स्ट्रिंग हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग हिल जा रहा है, क्या बताऊं। ठीक है देख लो कैसा बन रहा है, देखो इस केस में देखो क्या हो रहा है। तो ये तो हमारा हो गया F1 और ये हो गया हमारा F2, मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये इलिप्स है, ठीक है, इसी को मैं पकड़े पकड़े जरा नीचे भी कर दे रहा हूं, ओहो हिल गया। देखो ये हमारा इलिप्स होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो ये इलिप्स है, ये फिगर जो आपको जो बना हुआ दिख रहा है ये क्या है, ये इलिप्स, ये सही इलिप्स बना है, ये फोकस।